गुड इवनिंग मेरे प्यारे प्यारे क्लास नाइन्थ के बच्चों, वेलकम टू योर फेवरेट चैनल ऑफ गुरु नानक एकेडमी एंड पैशन ट्यूटोरियल्स। मैं आप सभी का तहे दिल से करता हूं स्वागत। मेरे द्वारा केमिस्ट्री में पढ़ाई जा रही लगातार दो बहुत ही इंपॉर्टेंट यूनिट्स, जिसको कराते ही पूरी तरह से मैं कह सकूंगा कि नाइन्थ क्लास का केमिस्ट्री का सिलेबस मैंने अपने चैनल पे आप लोगों को प्रोवाइड करा दिया है। सो आज का ये वीडियो लेक्चर अगर देखा जाए तो पूरी सीरीज का 15वां वीडियो लेक्चर है। यानी पूरी सीरीज अगर मैं बात कर रहा हूं तो किसकी, मैं बात कर रहा हूं केमिस्ट्री के एनसीईआरटी के चैप्टर नंबर 3 एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स, और केमिस्ट्री की एनसीईआरटी के चैप्टर नंबर 4 एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स के बाद स्ट्रक्चर ऑफ एटम की। और आज का ये वीडियो लेक्चर स्ट्रक्चर ऑफ एटम का दूसरा वीडियो लेक्चर है, और पूरी सीरीज की अगर मैं बात करूं तो पूरी सीरीज का ये 15वां लेक्चर है। हां जी बच्चों, इससे पहले मैं टोटल 14 वीडियो लेक्चर्स आपको लगातार दे चुका हूं। अगर अभी तक आप में से किसी भी बच्चे ने इससे पहले के 14 वीडियो लेक्चर्स अभी तक नहीं देखे हैं तो मेरी आपसे गुजारिश है, दिल से निकलती है सिफारिश है कि इससे पहले के वीडियो लेक्चर्स को डिस्क्रिप्शन में जाकर दिए गए लिंक्स के माध्यम से देखना ना भूले। आज का वीडियो लेक्चर क्या है और क्या पढ़ाने जा रहा हूं, चलिए शुरू करते हैं विदाउट एनी वेस्टेज ऑफ टाइम। जिन बच्चों ने मेरा पार्ट 1 वीडियो लेक्चर देखा है वो अच्छी तरह जानते हैं कि इससे पहले वाले पार्ट 1 वीडियो लेक्चर में मैंने बात करी थी डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन की। डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन मींस द नेगेटिवली चार्ज सब एटॉमिक पार्टिकल, और उसकी डिस्कवरी में सबसे बड़ा योगदान अगर किसी का रहा है तो दो वैज्ञानिकों का रहा, एक जिसने एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया और एक वो जिसने उसके एक्सपेरिमेंट के आधार पे दुनिया के सामने एक कॉन्सेप्ट दिया। तो विलियम क्रूक्स नाम के वैज्ञानिक ने कैथोड रे एक्सपेरिमेंट किया, लेकिन जे.जे. थॉम्सन ने उनके द्वारा इस एक्सपेरिमेंट के माध्यम से कैथोड रेज में पार्टिकल्स की डिस्कवरी करी, जिन पार्टिकल्स को उन्होंने नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल यानी इलेक्ट्रॉन का नाम दिया। यानी इन शॉर्ट कहें तो जे.जे. थॉम्सन को क्रेडिट जाता है किस चीज का, इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी का। लेकिन आप कैसे भूल सकते हो कि हम पहले पढ़ चुके हैं कि एटम के अंदर सिर्फ इलेक्ट्रॉन नाम का सब एटॉमिक पार्टिकल नहीं होता, एटम के पास और भी पार्टिकल्स हैं। हम ये बातें पहले भी कर चुके हैं कि एटम के पास पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल होता है प्रोटॉन, नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल होता है इलेक्ट्रॉन, और भी एक पार्टिकल होता है जिसे हम कहते हैं न्यूट्रॉन। इन सबका जिक्र पहले किया जा चुका है, लेकिन जब वैज्ञानिक एक्सपेरिमेंट कर रहे थे तो उनके साथ तो किसी ने पहले जिक्र नहीं किया था, आपको पहले पढ़ा दिया गया है क्योंकि हमारा कॉन्सेप्ट उस सीक्वेंस में चल रहा था। तो वैज्ञानिकों के मन में क्या चल रहा था, मतलब कि जो लोग डिस्कवरी कर रहे थे उनके दिमाग में क्या चल रहा था कि यार हमने इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी कर दी तो क्या कहानी यही खत्म हो जाती है, तो क्या एटम में सिर्फ इलेक्ट्रॉन नाम का ही पार्टिकल है? नहीं, देखो पार्टिकल्स की डिस्कवरी बाद में हुई, लेकिन चार्ज के बारे में तो सभी को पता था ना कि दुनिया में दो तरह के चार्ज होते हैं, एक दूसरे को रेपल करने वाले लाइक चार्जेस और एक दूसरे को अट्रैक्ट करने वाले अनलाइक चार्जेस। अगर उन अनलाइक चार्जेस में से एक चार्ज की डिस्कवरी हो चुकी थी तो दूसरे की उन्हें तलाश थी, दूसरे का वो डिस्कवरी एक एक्सपेरिमेंटल अटेम्प्ट में करने की कोशिश कर रहे थे, और इस कोशिश में एक एक्सपेरिमेंट किया गया और ये सवाल उठाया गया कि अगर आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हो और एक्सपेरिमेंट से आप प्रोटॉन की डिस्कवरी कर डालोगे या एक्सपेरिमेंट से आप प्रोटॉन का पता लगा लोगे तो फिर वही सेम चीज कैथोड रे एक्सपेरिमेंट में क्यों नहीं हुई। जब कैथोड रे में इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी हुई तो उसी सेम एक्सपेरिमेंट में प्रोटॉन की डिस्कवरी क्यों नहीं हुई, उसी सेम एक्सपेरिमेंट में एनोड रेस की डिस्कवरी क्यों नहीं हुई। तो आपका जवाब यह है कि कैथोड रे एक्सपेरिमेंट के अंदर जो एक्सपेरिमेंट का सेटअप था वो पूरी तरह से इस बात के लिए डिजाइन था या इस बात को सपोर्ट कर रहा था कि उसमें सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स ही दिखाई दे रहे थे और इलेक्ट्रॉन्स ही हमें डिटेक्ट हो रहे थे। मतलब सर आप ये कहना चाहते हो कि कहीं ना कहीं उसमें भी एनोड रेज पैदा हो रही थी लेकिन दिखाई नहीं दे रही थी। सच बताओ तो हाँ, एनोड रेज वहां भी पैदा हो रही होंगी लेकिन दिखाई नहीं दे रही होंगी। क्यों? क्योंकि शायद वो डिटेक्ट नहीं हो पा रही होंगी, लेकिन एक्चुअली में ये एक्सपेरिमेंटल जब तरीके से किया गया या जब इसको एक्सपेरिमेंटल तौर से करेक्ट किया गया तो कैसे किया गया मैं बताता हूं। फिलहाल आप ये मत सोचो कि कैथोड रेज में एनोड रेज भी पैदा हो रही थी, लेकिन अभी मैं जो बात कह रहा हूं उसको सुनो। जब ये एक्सपेरिमेंट दोबारा किया गया तो उस एक्सपेरिमेंट में कैथोड रेज के साथ साथ एनोड रेज भी पैदा हुई,
तो सर फिर पहले क्यों नहीं हुई? जब आप कह रहे हो कि एक्सपेरिमेंट दोबारा करने पर कैथोड रेज भी बनी और एनोड रेज बनी, तो पहली बार में जब कैथोड रेज बनी तो क्या तब एनोड रेज नहीं बन रही थी? तब एनोड रेज दिख नहीं रही थी, तब एनोड रेज डिटेक्ट नहीं हो रही थी, क्योंकि एक्सपेरिमेंटल सेटअप कैथोड रेज के लिए ही सपोर्टिव था, उसी को डिटेक्ट करने में मदद कर रहा था। तो सर फिर एनोड रेज के एक्सपेरिमेंट में ऐसा क्या कर दिया? एनोड रेज के एक्सपेरिमेंट के सेटअप में बदलाव किया गया। जब डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन की जा रही थी या प्रोटॉन की तलाश की जा रही थी या यह ढूंढा जा रहा था कि क्या एटम में नेगेटिव चार्ज के अलावा पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल भी हो सकता है, और अगर हां तो भाई उस एक्सपेरिमेंट में नेगेटिव ही क्यों बाहर आया, पॉजिटिव क्यों नहीं बाहर आया? इसी तलाश में एक एक्सपेरिमेंट 1886 में ई गोल्डस्टीन नाम के वैज्ञानिक के द्वारा किया गया, और वो एक्सपेरिमेंट वॉज वेरी सिमिलर टू कैथोड रे एक्सपेरिमेंट। अगर आप में से किसी बच्चे को कैथोड रे एक्सपेरिमेंट की बातें याद नहीं है तो हो सकता है कि आज की बातें आपको सुनते सुनते थोड़ी सी कंफ्यूजन हो, क्योंकि मैं बार बार अपनी बातों में कैथोड रे एक्सपेरिमेंट की बातें दोहराऊंगा, इसलिए मैं बार बार कहूंगा याद करो वहां पढ़ा था, याद करो वहां पढ़ा था। तो इसलिए इट इज इंपॉर्टेंट कि आपने कैथोड रे एक्सपेरिमेंट जरूर देखा हो, तब जाके आपको समझ आएगा एनोड रे एक्सपेरिमेंट, या मुझे कहना चाहिए डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन। तो चलिए मेरे प्यारे प्यारे क्लास नाइन्थ के बच्चों, मैं यहां पे हेडिंग डाल देता हूं और हेडिंग का नाम है डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन। और ये डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन जिस वैज्ञानिक ने करी उस वैज्ञानिक का नाम है ई गोल्डस्टीन। बिल्कुल सही आपने सुना, इस वैज्ञानिक का नाम है ई गोल्डस्टीन, यानी डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन बाय वैज्ञानिक कॉल्ड एज ई गोल्डस्टीन, और इनके द्वारा परफॉर्म किया गया एक बहुत ही प्यारा एक्सपेरिमेंट जिसे कहा गया एनोड रे एक्सपेरिमेंट। आज का ये लेक्चर पूरी तरह से एनोड रे एक्सपेरिमेंट पे ही डेडिकेटेड है, तो आपको पूरी तरह से एनोड रे एक्सपेरिमेंट के बारे में बताएगा। ऐसा इन्होंने क्या किया जो विलियम क्रूक्स नहीं कर पाया? इनकी डिस्चार्ज ट्यूब में, मेरी बात बहुत ध्यान से सुनना, विलियम क्रूक्स या मुझे कहना चाहिए जे.जे. थॉमसन की डिस्चार्ज ट्यूब में यहां पे एक प्लेट थी, याद करिए यहां पे एक प्लेट थी और यहां पे भी एक प्लेट थी, यहां पे भी एक प्लेट थी। इस प्लेट को कनेक्ट किया गया था नेगेटिव टर्मिनल से और पॉजिटिव टर्मिनल से, और ये नेगेटिव टर्मिनल और पॉजिटिव टर्मिनल जो थे ये एक इंडक्शन कॉइल के थे, एक ऐसा इंडक्शन कॉइल जो पैदा कर रहा था कम से कम 10,000 वोल्ट की बिजली, या मुझे कहना चाहिए 10,000 वोल्ट का बिजली का झटका। और हमने एक्सपेरिमेंट में ये देखा कि जब ये 10,000 वोल्ट की बिजली का झटका लो प्रेशर पे मौजूद गैस, लो प्रेशर पे मौजूद गैस के थ्रू, मौजूद गैस के थ्रू वोल्टेज अप्लाई करने पर, लो प्रेशर पे मौजूद गैस के थ्रू वोल्टेज अप्लाई करने पर, वोल्टेज अप्लाई करने पे करंट फ्लो हुआ था फ्रॉम कैथोड टू एनोड in the form of rays called as cathode rays। एक बच्चा कह रहा है सर आप तो रिवाइज करने बैठ गए। हाँ, एक तरह से आप सोच सकते हो कि मैं बातों बातों में आपको रिवाइज करा रहा हूं, क्योंकि कैथोड रे के एक्सपेरिमेंट में ही तो कुछ बदलाव किए गए जिससे एनोड रे एक्सपेरिमेंट हो पाया। क्या वो बदलाव थे? पहला बदलाव इस प्लेट को जिसे कनेक्ट किया गया था पॉजिटिव टर्मिनल से, इसका ये पॉजिटिव टर्मिनल हटा दिया गया और इसका ये नेगेटिव टर्मिनल हटा दिया गया। सबसे पहले बताओ कि यहां पे पॉजिटिव टर्मिनल क्रिएट किया गया, यानी कैथोड रे एक्सपेरिमेंट में लेफ्ट पे कैथोड था लेकिन एनोड रे एक्सपेरिमेंट में लेफ्ट पे एनोड था। तो एक बच्चा कहता है ठीक है सर, कौन सी बड़ी बात है, अगर यहां एनोड है तो वहां कैथोड हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उसे यहां से हटा दिया गया और यहां से हटाकर इस तरफ ये, जी हां, इस तरफ ये, मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, इस तरफ
कनेक्शन दिया गया, ये यहां पर एक टर्मिनल बनाया गया, और जो टर्मिनल यहां बनाया गया, या मुझे कहना चाहिए जो प्लेट यहां बनाई गई, उस प्लेट को परफोरेटेड बनाया गया। परफोरेटेड, इसे कहते हैं परफोरेटेड कैथोड। अब सवाल आता है सर, ये परफोरेटेड कैथोड क्या होता है? आपको अभी समझ आएगा। बैटरी का ये पॉजिटिव टर्मिनल और ये नेगेटिव टर्मिनल, इसमें एक रास्ता दिया गया, फिर एक रास्ता दिया गया, फिर रास्ता दिया गया, फिर रास्ता दिया गया। तो ध्यान से देखिए, ये परफोरेशन के साथ, या परफोरेशन जैसे जाली होती है, आपने देखा होगा जाली होती है, जाली हमारे घर में जो पानी की एक जाली हम लोग लगाते हैं, एक जाली लगाते हैं, इसमें छेद होता है, इस तरह से आपने देखा होगा छेद होता है जाली में, ये इसे परफोरेशन कहते हैं, इसे परफोरेशन कहते हैं। तो ये जाली है, जाली जो पानी में लगती है, और इस जाली में जो ये होल्स होते हैं, इन होल्स को इंग्लिश में कहते हैं ओपनिंग, लेकिन फिजिक्स की भाषा में इन्हें कहते हैं परफोरेशन। परफोरेशन मतलब छेद होना, परफोरेशन मतलब छेद होना। तो यहां पे जो ये कैथोड लिया गया, ये एनोड कहा गया, और क्योंकि ये नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है, तो इसे नाम बनाया गया कैथोड, मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। और इस कैथोड को कहा गया कि ये कैथोड भी कोई मामूली कैथोड नहीं है, परफोरेटेड कैथोड है। परफोरेटेड कैथोड का मतलब हुआ एक ऐसा प्लेट या एक ऐसा टर्मिनल, या मुझे कहना चाहिए एक ऐसी प्लेट जिसमें छेद है, एक ऐसी प्लेट जिसमें छेद मौजूद है, जिसमें छेद मौजूद है, प्यारे प्यारे क्लास नाइन्थ के बच्चों। अब सवाल आता है सर, ठीक है आपकी बात हम मान गए, इस वैज्ञानिक ने क्या किया ये बताओ। तो मेरे प्यारे प्यारे क्लास नाइन्थ के बच्चों, ई गोल्डस्टीन ने भी इस डिस्चार्ज ट्यूब पे 10,000 वोल्ट का झटका लगाया। जब इस डिस्चार्ज ट्यूब पे 10,000 वोल्ट का झटका लगता है, तो कायरे से क्या होता है आप अच्छी तरह जानते हो कि कायरे से, कैथोड से इलेक्ट्रॉन्स जो है वो एमिट आउट होते हैं, या मुझे कहना चाहिए कि कैथोड से कैथोड रेज एमिट आउट होती है। जब कैथोड से कैथोड रेज एमिट आउट हुई, जब कैथोड से कैथोड रेज एमिट आउट हुई, तो ये तो वो था जो ऑलरेडी वो स्टडी कर चुके थे, लेकिन सबसे ज्यादा सरप्राइज ई गोल्डस्टीन को तब हुआ जब उन्होंने देखा कि इसी एक्सपेरिमेंट में यहां पे एक चमक पैदा हो रही है, चमक का मतलब उन्हें नजर आया कि एक रोशनी की चमक यहां आ रही है, और उस चमक को उन्होंने नाम दिया फ्लोरोसेंस। और जो ये चमक यहां पैदा हुई, उन्हें ताज्जुब हुआ कि यार ये कैथोड की रोशनी तो इधर जा रही है, कैथोड रेस तो इधर ट्रेवल कर रही है, फिर यहां पे जो ये चमक आ रही है, ये चमक किस वजह से आ रही है? इसका मतलब कुछ तो है जो इस तरफ भी ट्रेवल कर रहा है। और उसे डिटेक्ट करने के लिए उन्होंने कैथोड में छेद किए, क्योंकि वो चेक करना चाहते थे कि क्या वाकई में कुछ है जो वहां जाएगा। अब समझ आया कि कैथोड रे एक्सपेरिमेंट में अगर एनोड से रेज निकल भी रही होगी, तो वो डिटेक्ट इसलिए नहीं हुई क्योंकि कैथोड उनको ब्लॉक कर रहा था। जैसे यहां पे कैथोड से रेज निकल रही है और एनोड उनको ब्लॉक कर रहा है, इसलिए यहां पे कोई फ्लोरोसेंस नहीं आया, यहां पे कोई फ्लोरोसेंस नहीं आया, इसलिए क्योंकि कैथोड रेज एनोड तक तो पहुंची, लेकिन क्या कैथोड रेस यहां टकरा पाई? नहीं टकरा पाई। कैथोड रे एक्सपेरिमेंट में ऐसा हो पा रहा था, वो टकरा पा रही थी, हालांकि वहां पे एनोड में परफोरेशन नहीं थी, हमने वहां पे जिंक प्लेट का इस्तेमाल किया था, जो जिंक प्लेट आने वाली कैथोड रेस को डिटेक्ट कर पा रही थी। तो ये मत सोचना
कि पहले वाले एक्सपेरिमेंट में भी कौन सा परफोरेशन थी। मैं मानता हूं कि पहले वाले एक्सपेरिमेंट में परफोरेशन नहीं थी, लेकिन फ्लोरोसेंस को डिटेक्ट करने के लिए हमने जिंक प्लेट का इस्तेमाल किया था, जो कि हाईली सेंसिटिव होती है, जो कि हाईली सेंसिटिव थी। उसने कैथोड रेस को डिटेक्ट करा था एनोड में परफोरेशन ना होने के बावजूद भी। अब सवाल ये आता है, चलो ठीक है सर, मान गए आपकी बातों को हम, मान गए, हुआ क्या? अब हुआ ये कि जब इस एनोड में से जब इस एनोड में से रेज निकली, तो ये रेज को मौका मिला ट्रैवल करने का थ्रू द परफोरेशन। ये जो खाली जगह है, इस खाली जगह को नाम दिया गया केनाल, और केनाल में से निकलने वाली इन रेज को नाम दिया गया केनाल रेज। और क्योंकि ये रेज एनोड से आती हुई नजर आ रही थी, इसलिए इन्हें एक और नाम दिया गया, इन्हें कहा गया एनोड रेज, इन्हें नाम दिया गया एनोड रेज। लेकिन सारी कहानी का ट्विस्ट पता है कब आया? सारी कहानी का ट्विस्ट तब आया जब ई गोल्डस्टीन ने यह कहा कि दुनिया वालों, एनोड रेज एनोड से नहीं आ रही, ऐसा लगता है कि वो एनोड से आ रही है, बट एक्चुअली में वो एनोड से नहीं आ रही होती, क्योंकि कैथोड रेज में तो कैथोड रेज कैथोड से इसलिए आ रही होती है क्योंकि कैथोड में से इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकल रहे होते हैं ड्यू टू हाई एनर्जी ऑफ 10,000 वोल्ट। तो क्या हम ये मान लें कि एनोड में से प्रोटॉन बाहर निकल रहे? ई गोल्डस्टीन ने कहा गलत जवाब, ऐसा मत सोचना कि ई गोल्डस्टीन ने कहा कि ऐसा मत सोचना कि एनोड में से प्रोटॉन बाहर निकल रहे हैं। ये एक्सपेरिमेंट में देखकर ऐसा लगता है कि ये रेज एनोड से आ रही है, लेकिन हो कुछ और ही रहा होगा। लोगों ने कहा भाई ऐसा क्या हो रहा होगा, हम भी जानना चाहते हैं सच क्या है। तो ई गोल्डस्टीन ने क्या एक्सप्लेन किया? ई गोल्डस्टीन ये कहता है कि जो ये 10,000 वोल्ट की बिजली का झटका है ना, ये बिजली का झटका कैथोड पे इलेक्ट्रॉन्स को बाहर निकालने में कामयाब होता है, लेकिन ये मत सोचना कि प्रोटॉन्स को बाहर निकालने में भी कामयाब हो जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो एटम के न्यूक्लियस में नहीं होते। इलेक्ट्रॉन्स आर लूजली बाउंडेड, वो एटम के अंदर आ भी सकते हैं, एटम से बाहर जा भी सकते हैं। क्या कभी प्रोटॉन आ सकता है या प्रोटॉन जा सकता है? नहीं। तो ये कभी मत सोचना कि आप एनर्जी प्रदान करोगे और प्रोटॉन बाहर आ जाएगा। लोगों ने कहा ठीक है भाई, मान गए, आप जो बात कह रहे हो वो लॉजिकली सही है और हमें एक्सेप्ट करने में कोई गम नहीं है, लेकिन प्रॉब्लम इस बात में आ रही है फिर इसे एनोड रेज कह ही क्यों रहे हैं, और इससे प्रोटॉन की डिस्कवरी हो जाएगी, इस बात का क्या सबूत है? हाँ वही तो बताने जा रहा हूं। ई गोल्डस्टीन अपनी बातों को एक्सप्लेन कैसे करते हैं, आप ध्यान से सुनो। ई गोल्डस्टीन ये कहते हैं कि ये जो रेज हमारे कैथोड की तरफ आ रही है, वो कैथोड के बीच में जो गैप है उसमें से निकल के इस तरफ स्क्रीन पे टकराती है, या मुझे कहना चाहिए कि इस ट्यूब के इस हिस्से पे टकराती है और एक चमक पैदा करती है जिसे हम फ्लोरोसेंस कहते हैं, जिसकी वजह से हमें इस बात का यकीन तो हो ही जाता है कम से कम कि हां भाई वहां से कुछ तो आ रहा है। अब क्योंकि वो एनोड की तरफ से आ रहा है इसलिए उसे एनोड रेस कहा जा रहा है। लेकिन एक बच्चे ने कहा सर एनोड रेस के अलावा उसका नाम केनाल रेस भी कहा गया, क्यों? क्योंकि वो कैथोड के बीच में जो छोटे 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 छेद थे या छोटे छोटे परफोरेशन थे उसमें से बाहर आया, तो वो केनाल की तरह काम कर रहा, छोटा सा केनाल, जैसे गुफा होती है ना पहाड़ के अंदर, आपने देखा होगा पहाड़ी वाले इलाके में जाओ तो एक गुफा होती है, आप गुफा के अंदर से निकल के उस तरफ चले जाते हो। तो ऐसा ही लगा कि आने वाली जो रेज है वो उस कैथोड के बीच में छोटी सी गुफा से बाहर निकल रही है, इसलिए उन्हें केनाल रेज भी कहा गया। एग्जाम में कई बार 1 मार्क का क्वेश्चन आता है, व्हाई आर एनोड रेज कॉल्ड एज केनाल रेज? एनोड रेज आर कॉल्ड एज केनाल रेज बिकॉज दे टेंड टू ट्रेवल फ्रॉम द पॉजिटिव टर्मिनल टू द नेगेटिव टर्मिनल थ्रू द परफोरेशंस ऑफ द कैथोड व्हिच आर वेरी स्मॉल इन साइज एंड व्हेन दे पास थ्रू देम
It appears as if they are coming from that canal. That is why they are called as canal rays. They are called as anode rays because the travel of their direction is from anode to cathode. But do these anode rays really contain protons in them? क्या वाकई में इन एनोड में एनोड रेज में एनोड से प्रोटॉन बाहर आ रहे हैं? सो द आंसर इज नो. कैथोड रेज में कैथोड से वाकई में इलेक्ट्रॉन बाहर आते हैं, लेकिन एनोड रेज में एनोड से वाकई में प्रोटॉन बाहर आएंगे? आंसर इज नो. फिर सर प्रोटॉन की डिस्कवरी कैसे हुई? बताओ. तो इस बात को ई गोल्डस्टीन कैसे एक्सप्लेन करता है? ई गोल्डस्टीन कहता है इस इलाके में जब आपके गैस के एटम्स मौजूद थे लो प्रेशर पे, तो 10,000 वोल्ट की बिजली के झटके से वो गैस के एटम्स के अंदर जब झटका लगा तो इतनी ज्यादा एनर्जी से उस एटम के इलेक्ट्रॉन्स एटम में से निकल गए. जब उस ज्यादा एनर्जी के कारण, सुनना मेरी बात, जब उस ज्यादा एनर्जी के कारण उस गैस के एटम के इलेक्ट्रॉन्स उसमें से निकल गए, तो इलेक्ट्रॉन्स का निकलना मतलब लॉस ऑफ नेगेटिव चार्ज, और लॉस ऑफ नेगेटिव चार्ज सिंपली मींस पॉजिटिव चार्ज. सो वो जो पॉजिटिव चार्ज का एटम वहां क्रिएट हुआ, मतलब था कहीं नहीं. ये मत सोचना कि एनोड में से कुछ निकला, एनोड में से कुछ नहीं निकला. जो यहां पे एटम्स मौजूद थे, जो ये एटम्स मौजूद थे, उन एटम्स में जब 10,000 वोल्ट की बिजली का झटका लगा तो उनके इलेक्ट्रॉन बाहर निकले, और जब उनके इलेक्ट्रॉन बाहर निकले, सुनना, तो वो इलेक्ट्रॉन फटाफट से अट्रैक्ट हुए. लेकिन उनका पॉजिटिव चार्ज वाला पार्टिकल एनोड से रेपेल हुआ और इस एनोड रेस के साथ वो आगे गया. क्योंकि ये पार्टिकल हमें दिखाई नहीं दे रहा था, हमें सिर्फ रेस दिखाई दे रही थी. तो ई गोल्डस्टीन कहते हैं क्योंकि ये रेस पॉजिटिव फील्ड से या पॉजिटिव प्लेट से नेगेटिव की तरफ जा रही है, तो ये बात तो पक्की है कि इन पे पॉजिटिव चार्ज है. और अगर ये पॉजिटिव चार्ज है तो ये कहीं से तो आया होगा, एनोड से तो आया नहीं. इसका मतलब कि ये पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हुआ है, और अगर ये क्रिएट हुआ है तो उसका कोई तो कारण होगा, और कारण मैंने आपको बता दिया कि 10,000 वोल्ट की बिजली का झटका गैस के एटम्स को आयनाइज कर देता है. आयनाइज करने का मतलब उन्हें पॉजिटिवली चार्ज बना देता है, और वही पॉजिटिव चार्ज को हमने केमिस्ट्री की दुनिया में प्रोटॉन्स का नाम दिया. यानी ई गोल्डस्टीन ये कहते हैं कि ये मत सोचो कि एनोड में से प्रोटॉन निकल रहे हैं, लेकिन वो प्रोटॉन किसे मैं कह रहा हूं उसके पीछे का छुपा हुआ कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश करो कि वो पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल क्रिएट कैसे हुआ, और उसी पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल को केमिस्ट्री की दुनिया में प्रोटॉन कहा गया. यानी ई गोल्डस्टीन कहते हैं इसका मतलब कि इन रेडिएशन में कुछ ऐसे पार्टिकल्स हैं जिनमें वो पॉजिटिव चार्ज है, और अगर वो पॉजिटिव चार्ज है तो उन पार्टिकल्स को कुछ तो नाम देना पड़ेगा. जब नेगेटिवली चार्ज वाले पार्टिकल्स को केमिस्ट्री की दुनिया में कैथोड रे एक्सपेरिमेंट के माध्यम से इलेक्ट्रॉन कहा गया, तो पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स को केमिस्ट्री की दुनिया में एनोड रे एक्सपेरिमेंट के माध्यम से प्रोटॉन कहा गया. और तब जाके पूरी दुनिया को यह समझ आया कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन नाम के दो सब एटॉमिक पार्टिकल तो एटम में मौजूद ही हैं, और इसलिए उन्होंने इस बात पे यकीन कर लिया क्योंकि पूरी दुनिया ये बात मान चुकी थी कि एटम एज अ होल पूरी तरह से न्यूट्रल होता है. मतलब एटम पे कोई स्पेसिफिक चार्ज तब तक नहीं आता जब तक उसका पार्टिकल कोई उसे छोड़ के आता नहीं या जाता नहीं. एज सच एटम पे कोई चार्ज तब तक नहीं आता जब तक उसका कोई पार्टिकल उसे छोड़कर या तो जाता नहीं या कोई नया चार्ज उस पे आता नहीं. मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन्स आर ऑलवेज इक्वल टू द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एन एटम. एटम में प्रोटॉन्स की गिनती और इलेक्ट्रॉन की गिनती हमेशा बराबर होती है, इसलिए एटम को एज अ होल इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल कहा जाता है. बात समझ आई?
दिस इज हाउ दुनिया के सामने प्रोटॉन की डिस्कवरी हुई और इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी हुई। और प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी हो जाने के बाद अगला जो चैलेंज केमिस्ट्री की दुनिया के सामने था वो था टू डिटरमाइन द मास ऑफ दिस इलेक्ट्रॉन एंड द मास ऑफ प्रोटॉन एंड टू डिटरमाइन द मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन एंड टू डिटरमाइन द चार्ज ऑफ द प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन। मतलब सर साफ साफ कहो कि दुनिया के सामने एक बहुत बड़ा चैलेंज था दो चीजों के बारे में पता लगाना। पहली चीज कि प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन का मास क्या है और दूसरी चीज प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन का चार्ज क्या है। इस चीज को भी मैं ये नहीं कहूंगा कि बहुत सिंपल तरीके से पता लगाया गया, लेकिन हां बहुत सारे अलग 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 एक्सपेरिमेंट किए गए जिसमें से एक एक्सपेरिमेंट का नाम है ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट। आप 9th क्लास में उसके बारे में डिटेल में ज्यादा हम नहीं पढ़ते हैं, लेकिन क्लास 11th की केमिस्ट्री में आप उसके बारे में जरूर पढ़ेंगे। तो 9th में मैं आपको यह बता दूंगा कि प्रोटॉन का मास क्या है, 9th में मैं आपको यह बता दूंगा कि इलेक्ट्रॉन का मास क्या है, 9th में मैं आपको यह बता दूंगा कि प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना है। लेकिन वो डिटरमाइन कैसे हुआ ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से अभी फिलहाल के लिए इतना रेलेवेंट नहीं है। अपनी एक्स्ट्रा नॉलेज जानने के लिए आप किताबों को खोलकर बहुत कुछ पढ़ सकते हो, बट फिलहाल के लिए मैं यही सजेस्ट करता हूं मेरे प्यारे प्यारे क्लास 9th के बच्चों को कि आपको सिर्फ वैल्यूज पता हो तो ज्यादा अच्छा है। उन्हें डिटरमाइन कैसे किया गया, उन्हें प्राप्त कैसे किया गया, उसकी डिटेल में 9th क्लास में जाने से अच्छा 11th क्लास में जरूर जाना। 11th क्लास की केमिस्ट्री में आप उसके बारे में जरूर सीखोगे, इनफैक्ट 9th से बहुत ज्यादा सीखोगे। तो जब 9th में हमें जानना है तो क्या जानना है, आइए 9th में क्या जानना है इसे बताने के लिए मैं लिख दूंगा यहां पर प्रोटॉन यानी कि पॉजिटिव चार्ज एंड इलेक्ट्रॉन यानी कि नेगेटिव चार्ज। तो प्रोटॉन यानी पॉजिटिव चार्ज एंड इलेक्ट्रॉन मतलब नेगेटिव चार्ज, दोनों पे मौजूद होता है, दोनों पे मौजूद होता है इक्वल चार्ज, दोनों का चार्ज इक्वल होता है, बस फर्क सिर्फ इतना होता है कि इसका पॉजिटिव होता है और इसका नेगेटिव होता है। सो प्लस एंड माइनस सिर्फ साइन का फर्क है, लेकिन वैल्यू सेम होती है और वो वैल्यू होती है 1.6 × 10⁻¹⁹ कूलम्स। मेरे प्यारे प्यारे क्लास 9th के बच्चों, ये कूलम एक वैज्ञानिक का नाम है जिनके नाम पे चार्ज की यूनिट बनाई गई है, जैसे फोर्स की यूनिट न्यूटन के नाम पे बनाई गई है, एनर्जी की यूनिट जूल्स के नाम पे बनाई गई है, ठीक उसी प्रकार केमिस्ट्री की दुनिया में या फिजिक्स की दुनिया में चार्ज की यूनिट कूलम नाम के वैज्ञानिक के नाम पे बनाई गई है। इसलिए प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज है वो बराबर माना गया है और वो बराबर है भी, लेकिन दोनों के मास में बहुत बड़ा फर्क है। प्रोटॉन एक बहुत भारी पार्टिकल है एज कंपेयर टू इलेक्ट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन एक बहुत ही हल्का पार्टिकल है एज कंपेयर टू प्रोटॉन। तो आपको तीन वैल्यूज तो रटनी है, हाँ रटनी है मतलब याद होनी चाहिए। एक ये कि प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन पे कितने कूलम का चार्ज होता है, 1.6 × 10⁻¹⁹ कूलम का चार्ज प्रोटॉन पे होता है पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन पे होता है नेगेटिव चार्ज। अब दूसरी चीज जो आपको पता होनी चाहिए वो पता होनी चाहिए आपको प्रोटॉन का मास और इलेक्ट्रॉन का मास। तो मैं सोच रहा हूं कि ये जो जगह खाली है यहां पे लिख देता हूं। तो प्रोटॉन का मास, मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, प्रोटॉन का मास होता है 1.67 × 10⁻²⁷ केजी। एंड प्यारे प्यारे बच्चों, क्लास 9th के इलेक्ट्रॉन का मास होता है 9.1 × 10⁻³⁻ केजी। एंड साफ साफ कहूंगा कि मास ऑफ प्रोटॉन इज मच मच ग्रेटर देन मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये दिख भी रहा है और पता भी चल रहा है और कॉमन सेंस से भी ये चीज समझ आ रही है। आई होप मेरे प्यारे प्यारे बच्चों को पूरा कॉन्सेप्ट समझ आ रहा है। देखो
एक बार बोर्ड पे मेरे द्वारा बताई गई, लिखवाई गई, समझाई गई एक एक इंफॉर्मेशन को अच्छे से घूरो, ताकि नहीं रह जाए आपके मन में कोई सवाल। और अगर फिर भी रह जाता है कोई सवाल, तो आप मत रोकना मचाने से कोई बवाल। प्यारे प्यारे क्लास नाइन्थ के बच्चों, हमने आज के इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से ये ऐलान कर दिया कि एटम, तेरे पास दो तरह के पार्टिकल्स तो होते ही होते हैं। एक जिसे हम कहते हैं पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल प्रोटॉन, और एक जिसे हम कहते हैं नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रॉन। अब पता है क्या हुआ, जब दुनिया को यह पता चल गया कि एटम डिविजिबल है, जब दुनिया को यह पता चल गया कि एटम के अंदर पार्टिकल्स हैं, एक प्रोटॉन ऊपर से दूसरा इलेक्ट्रॉन, तो उनका अगला क्वेश्चन था, भाई कहां है? अगर एटम के अंदर है तो कहां है? एटम तो खुद इतना छोटा है, आंखों से दिखता नहीं है, तो फिर उसमें प्रोटॉन कहां है, उसमें इलेक्ट्रॉन कहां है? यानी पहले दुनिया इस बात के लिए पागल थी कि मैटर किस चीज का बना है। जब पता चला कि मैटर एटम का बना है, तो दुनिया इस बात के लिए पागल हुई कि एटम किस चीज का बना है। पर जब आप पता चला कि एटम में भी प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स है, तो दुनिया इस चीज के लिए पागल हुई कि अगर एटम में ये सब मौजूद है तो कहां मौजूद है। यानी द वर्ल्ड नाउ वॉन्टेड टू नो अबाउट द डिटेल्ड स्ट्रक्चर ऑफ एटम, और इसलिए इस चैप्टर का नाम है स्ट्रक्चर ऑफ एटम। सो द नेक्स्ट थिंग दैट आई एम गोइंग टू टीच यू इज नॉट द तीसरा पार्टिकल न्यूट्रॉन, क्योंकि आप मुझे लग रहा है कि सोच रहे हो जब दो पार्टिकल्स के बारे में बता दिया तो तीसरे पार्टिकल के बारे में कब बताओगे। यार दो पार्टिकल की डिस्कवरी तीसरे पार्टिकल की डिस्कवरी से बहुत पहले हुई थी, तीसरे पार्टिकल की डिस्कवरी बाद में हुई, तो वो बाद अभी आया नहीं है। जब उसके बारे में बताने की बारी आएगी तो मैं बताऊंगा भी, समझाऊंगा भी, लिखवाऊंगा भी, और आपके दिमाग में कॉन्सेप्ट को बिठाऊंगा भी। बट बिफोर वी रीच टू दैट लेवल, वी नीड टू अंडरस्टैंड अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ एटम। अलग अलग वैज्ञानिकों ने अपने दिमाग की सोच, अपने दिमाग का आइडिया, अपने क्रिएटिविटी, अपने थॉट्स का इस्तेमाल करके कुछ ना कुछ बताने की कोशिश करी कि मुझे लगता है एटम में प्रोटॉन यहां होगा, मुझे लगता है एटम में इलेक्ट्रॉन यहां होगा। तो किस वैज्ञानिक ने क्या कहा कि प्रोटॉन कहां होगा और इलेक्ट्रॉन कहां होगा, इस बात का एक्सप्लेनेशन का पूरा पूरा डिस्कशन अगले वीडियो लेक्चर में होगा। मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, क्लास नाइन्थ के, उसके लिए थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा। लौट के आऊंगा एक बार फिर से, आपका जो स्ट्रक्चर ऑफ एटम का तीसरा वीडियो लेक्चर होगा उसमें मैं डिटेल में बताऊंगा वेरियस मोड्स, या मुझे कहना चाहिए वेरियस मॉडल्स ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ एटम एक्सप्लेन्ड बाय वेरियस वैज्ञानिक। अगले वीडियो लेक्चर के लिए करिए थोड़ा सा इंतजार, मत कीजिए आप अपना समय जरा भी बेकार। अगर पाना है आपको जिंदगी में कामयाबी का टेस्ट, तो मत करिए अपना टाइम वेस्ट। आपने आज के इस वीडियो लेक्चर को देखने में जो अपने जीवन का कीमती वक्त दिया, उसके लिए मैं अपनी तरफ से आप सभी का तहे दिल से शुक्रिया करता हूं। वंस अगेन थैंक यू मेरे प्यारे प्यारे क्लास नाइन के बच्चों। अगर अभी तक आप में से किसी ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है या मेरे वीडियोस को अपने दोस्तों के साथ शेयर नहीं किया है, तो है मेरी आपसे गुजारिश, मत करना भूलिएगा। वंस अगेन थैंक यू।